शहर से सटे चुगयाल की रहने वाली भावना ऑटो रिक्शा चलाकर अपना और अपने घर परिवार वालों का पालन पोषण कर रही है। उनका कहना है कि मेहनत करने में कोई शर्म नहीं और पति की मौत होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ पड़ी है। मेरा नाम सर भावना है। मैं जुगयाल कलोनी की रहने वाली हाँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की डैथ हो चुकी है। तो उन्होंने नाम है बलवंत सिंह काला जी, सारे जानते हैं जुगयाल के उन्होंने। तो उन्होंने डैथ हो गई है। मेरी एक बेटी है 7 साल की। तो मैं अपनी बेटी का जोड़ा खर्चा आप चुकना चाहनी हूँ। मैं किसी के उत्ते डिपेंड नहीं होना चाहती हाँ। तो मैंने अपने बच्चे की परवरिश करने एक काम की जरूरत सी। तो फिर मैं यही ई रिक्शे को ज़्यादा बढ़िया समझा कि यह चला के मैं अपने बच्चे की भी केयर कर सकती हाँ, अपने बच्चे पाल भी सकती हाँ। सर मैं रिक्शा चलाते मैं 4 तारीख में लिया दूसरे नराते तो उदों की मैं पठानकोट चला रही हाँ रिक्शा। तो बाकी मैं तुम जिदा दसिया कि मेरी बेटी है ये मैं कमाई का कोई साधन तो चाहिए ही है। इस करके मैं अपने अपने आप ने अपने बच्चे का पालन पोषण करती हाँ। तो मैं काम करती हाँ। सर मैं सारिया गर्ल्स में यही मैसेज देना चाहवागी किसी नाल भी कोई भी हादसा हो सकता है। ठीक है किसी के घर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है लेकिन उसकी की है कि अपने बच्चे पालन लिए आप अगे वधो अपने बच्चे वधिया परवरिश दो। कोई भी काम तुहानू आंदा तुसी शर्म ना करो दुनिया वाल ना देखो कि दुनिया की कहेगी क्योंकि जिदा अज मैं ई रिक्शा चला रही हाँ पठानकोट भी चलाती हाँ उत्थे भी सारे जने देखते दे, लेकिन मैं अज पठानकोट वाले ने भी बहुत सपोर्ट किया सारे ने लड़किया ने भी जेंट्स ने भी। तो इस तरह मैं कहूँगी सारिया भैनों यही मैसेज देवगी कि तुसी कोई भी काम है व्डा या छोटा ना समझो तुसी अपना काम प्रोपर करो अपने बच्चे ने एक वधिया परवरिश देवो ना कि किसी भी गलत रस्ते पर जाओ क्योंकि मेरे हस्बैंड की डैथ तो बाद मैनू किसी पासों भी कोई सपोर्ट नहीं आई। मैं अपने बच्चे अपनी मेहनत के नाल पाल के व्डा करना चाहती हाँ। सर थैंक यू।